तो लिखिएगा, आप अभी सीखिए जस्ट क्या इंडक्टेंस में एनर्जी कितना स्टोर होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। तो हम इसको मिटा रहे हैं, आपको ये अगर लिख लिए तो ठीक है, नहीं लिखे हैं तो दो, ये हम स्क्रीनशॉट आपको आपके भेज देते हैं कहाँ पे, ग्रुप में, ब्राइट फ्यूचर ग्रुप में लीजिए, बॉयज का ग्रुप अलग गर्ल्स का अलग, दोनों में चला गया। आप समझने की कोशिश करते हैं हम लोग बहुत ही ध्यान से, क्या समझना है वो देखिए, ये देखिए कि अभी अभी आपने पढ़ा कि सेंस एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर इज गिवन बाय L is equal to, U is equal to half Li square for a solenoid, एक solenoid के लिए, जो solenoid की बात कर रहे थे अभी अभी आप, जिसका length L था, radius R था, solenoid के लिए since L is equal to mu naught N square pi R square L, ये हम सब जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट टाइम्स एन आई। अभी जो म्यू आर का टर्म आया था, चैप्टर आपका हम छोड़े हुए हैं ना, अभी कौन सा चैप्टर छोड़े हैं, चैप्टर नंबर 5, हम भी तो उसको बचा के रखेंगे, आपको अलग से पढ़ाएंगे वो, तो उसमें म्यू नॉट इनटू म्यू आर वाला कॉन्सेप्ट वहां से आता, तो अभी आपको हम डायरेक्ट यूज किए थे, इसलिए कई लोग के दिमाग में घूम रहा होगा, वो कभी सुने क्यों नहीं, चाहे इसमें दिखा क्यों नहीं, क्योंकि वो चैप्टर हम छोड़े उसमें है। खैर, म्यू का वैल्यू म्यू नॉट एन आई जानते हैं ना, तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, ये हम आपको बता रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनोइड, जबकि सोलेनोइड एज एन इंडक्टर है, तब तो कोई ना कोई इंडक्टर लेना होगा ना, तुम सोलेनोइड एग्जांपल लीजिए। U इज इक्वल टू हाफ L के जगह पे क्या लिखेंगे, म्यू नॉट N स्क्वायर पाई R स्क्वायर L I स्क्वायर, I का स्क्वायर दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे म्यू नॉट से मल्टीप्लाई और म्यू नॉट से डिवाइड करते हैं, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई और म्यू नॉट से डिवाइड करने के पीछे का क्या कारण है वो देखिए। जैसे आप कैपेसिटर में दिखाए थे प्रूफ सब, वही प्रूफ सब फिर आ रहा है, देखना हाफ म्यू नॉट, म्यू नॉट, म्यू नॉट का स्क्वायर, एन का स्क्वायर, आई का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एन, और नीचे एक म्यू नॉट दिख रहा है आपको। हाफ इसको आप देखो, आई का स्क्वायर को सब साथ में रखिए, म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं एक साथ, पाई आर स्क्वायर एल बाय म्यू नॉट, और म्यू नॉट एन आई स्क्वायर होता है किसका वैल्यू, बी का वैल्यू दिख रहा है, तो आप इसको बोल सकते हो देयरफॉर एनर्जी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट इनटू में पाई आर स्क्वायर एल, है ना, ये एनर्जी हुआ। पाई स्क्वायर बाय एल तो वॉल्यूम होता है, पाई स्क्वायर एरिया इनटू लेंथ इज वॉल्यूम, तो आप चाहो तो बोल सकते हो बी स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट इनटू वॉल्यूम वी, ये एनर्जी हुआ। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ये था एनर्जी स्टोर्ड, ये था वॉल्यूम, देयरफॉर यू बाय वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट, यही टर्म कहलाता है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का प्रूफ करने आता है फॉर अ सोलेनोइड, देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से दिखा रहा है, यू इज इक्वल टू होगा बी स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट। याद करिएगा, अभी कॉपी खोल के चेक कीजिएगा कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के जस्ट पास ऐसा कुछ प्रूफ हुआ था, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर था ई स्क्वायर, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का बी स्क्वायर, वहां भी 1/2 था, वहां भी 1/2 है, वहां पे एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे म्यू नॉट है, वो इनटू में था, ये डिवाइड में है, यही अंतर है। तो जैसे आपने कैपेसिटर में देखा था ठीक उसी तरह से आपको इंडक्टर में भी सेम आया। तो ये अगला हेडिंग है आपका, ये असल में एक न्यूमेरिकल के तरीके से दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जिसमें ये शो करके दिखाना है कि एनर्जी डेंसिटी इतना होता है, तो आप हेडिंग लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ सोलेनोइड, लेकिन सोलेनोइड यहाँ इंडक्टर के रूप में है, ठीक है, एनर्जी कहाँ स्टोर होगा, सोलेनोइड के अंदर का जो इलाका है उसमें। तो हम बात करने जा रहे थे इस टॉपिक के ऊपर, यहाँ कोई दिक्कत हो तो बोलिए, अदरवाइज इसका हम फोटो खींच के भेज देते हैं। फिर से सुप्रिया, आपने इसको बोला फिर से बताने,
अभी हम सुप्रिया इसको फिर से बता देते हैं, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर। अब हम लोग ये फॉर्मूला तो प्रूफ कर लिए, लेकिन आपका एक न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल हम सीधे थ्योरी जैसे बता दिए कि अगर इंडक्टर के रूप में सोलेनोइड यूज करेंगे तो उसका एनर्जी डेंसिटी कितना होगा। तो एनर्जी सोलेनोइड का इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, ये हम लास्ट क्लास प्रूफ किए हैं। और सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, तो यू के जगह हमने एल जो आया एल के जगह ये वैल्यू पुट किए। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे एन का भी स्क्वायर है आई का भी स्क्वायर है, तो क्यों ना म्यू नॉट का भी स्क्वायर है, तो ऊपर नीचे म्यू नॉट से डिवाइड और इनटू भी कर दिए, इससे म्यू नॉट का भी स्क्वायर हो गया, एन का तो स्क्वायर था ही, आई का भी स्क्वायर हो गया, पाई आर स्क्वायर इसको अलग निकाल दिए, म्यू नॉट तो नीचे था ही, ये म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर हो गया। म्यू नॉट एन आई मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी एनर्जी स्टोर बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम डिवाइड में गया तो एनर्जी बाई वॉल्यूम इज एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट, ये प्रूफ करने आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी का सब कुछ एनसीईआरटी में आता है, इसलिए मैं उसे कह रहा हूं। देख लीजिए आप, कहीं कोई दिक्कत हो तो हमको जरूर बोलिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो देखिए क्या है, फोटो इसका हमने लिए है, ले लेते हैं फोटो भी एक मिनट। बोर्ड भी सेलिब्रिटी हुआ हो गया आजकल, क्या सेलिब्रिटी है, कितना लोग फोटो लेता रहता है। लिख लिए हैं, आगे बढ़े हम लोग, ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लिखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, वीवीआई मार्क कर देंगे जैक बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, ये 5 नंबर तक में भी देता है, लेकिन आजकल इसको सिर्फ इसके प्रिंसिपल को पूछ के ये 3 मार्क्स में ही काम कर देता है। इसका नाम है एसी डायनेमो, भले ही अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर का लग रहा है, लेकिन ये असल में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डाल दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन किसी साइड बुक में देखिएगा तो ये अल्टरनेटिंग करंट का पहला टॉपिक है, तो हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए इसको एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक मानते हुए हम चल रहे हैं। हेडिंग है आपका एसी, वैसे ये सच बोला जाए तो अल्टरनेटिंग करंट के ही नाम पे है, तो क्यों ना हम लोग नया चैप्टर का नाम उसी को देके शुरुआत करें, तो आप इसको इग्नोर कर दिए, एग्जाम में पढ़ने बैठिएगा सोचिएगा ये लास्ट टॉपिक छोड़ देते हैं, इसीलिए वैसे तो ये जो टॉपिक है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लेकिन किसी भी बुक में देखिएगा तो वो अल्टरनेटिंग करंट का पहला टॉपिक में आता है, तो हम लोग हेडिंग डालेंगे आज अल्टरनेटिंग करंट, सुंदर राइटिंग में नया चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, ट्रांसफॉर्मर आर्यन ट्रांसफॉर्मर अल्टरनेटिंग करंट का लास्ट टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मर अल्टरनेटिंग करंट का लास्ट टॉपिक है आर्यन, ठीक है घबराना नहीं, इंडक्शन का नहीं तो फिर मेरी गवाद हो गया, ठीक है। तुम ये पूछ रहे हो कि ट्रांसफॉर्मर नहीं था, ये आप लोग हाँ वही चीज है विशाखा, जो नाम तुम बोली वही है, निशान का डाउट है, डाउट भी खींच लेते हैं पहले हम लोग, तो ये चैप्टर अगले दिन करें क्या, डाउट देखिए निशान का डाउट वो डाउट है जो हर बच्चे का डाउट है। हाँ एसी जनरेटर को ही एसी डायनामो कहते हैं, दोनों नाम बोलने वाले थे, तो अभी शुरुआत में पहले चैप्टर का हिंट डालते हैं अल्टरनेटिंग करंट, उसके बाद जैसे कि निशान का कुछ डाउट है उस डाउट पे हम लोग देखते हैं, कुछ सवाल हो इस पे वो डाउट आपका क्लियर हो जाए तो बेहतर रहेगा, हम आपको हिंट कर रहे हैं उस डाउट के लिए, फिर उसके बाद सब बन जाता है।
जैसे कि मान लीजिए ये एक मेरे पास क्वाइल है और ये एक क्वाइल है और इसका जस्ट अभी ये स्विच है, जस्ट स्विच ऑन करेंगे जैसे ही आप ये देखिए और ये आपका दूसरा क्वाइल है, इसको जैसे ही स्विच को जोड़ेंगे इसमें करंट सप्लाई होगा। अब बात उठता है या मान लो यही आपका सेकेंडरी क्वाइल है, आसान बने के लिए एनसीआरटी, और ये आपका बैटरी इधर प्राइमरी, ये स्विच, ये प्राइमरी क्वाइल, और ये कोशिश कीजिएगा कि आपको समझ में आए। ये पीछे का वायर है और ये सामने का वायर, ये पीछे का वायर, ये सामने का वायर। सवाल ये उठता है कि जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया तो इसमें एक क्षणिक भर के लिए करंट पैदा होगा, बस एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए, उसका इसमें करंट पैदा नहीं होगा क्योंकि ये करंट फिर कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो फ्लक्स जब तक चेंज होगा तभी तक इसमें करंट पैदा होगा, तो करंट का रिएक्शन क्या होगा उस क्षणिक समय के लिए, थोड़े समय के लिए। सुनो, जैसे यहाँ पे बैटरी आपको ऐसे दिया हुआ है, स्विच जोड़ोगे तो ऐसे करंट होगा, है ना। जैसे मान लो इसमें हम अभी रस्सी बांधेंगे, एक धागा, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर छह, जैसे स्विच ऑन करते हैं करंट डेवलप होता है, ये करंट डेवलप होता है, फिर करंट आई क्यों बढ़ता है, ऐसे करंट डेवलप हो रहा है। ठीक है, इधर से जैसे ही स्विच ऑन करें करंट डेवलप होगा, अभी यहाँ करंट नहीं था, करंट ये पहुंचेगा पाइप में, पानी जैसे ही छोड़ते हैं तो पाइप में पानी कैसे आगे बढ़ते जाता है और धीरे धीरे पानी सब जगह पहुंचता है। शुरुआत में वैक्यूम था, वहां पानी पहुंचता है, एक बार पूरे पाइप में पानी यूनिफॉर्म हो जाता है तो फिर पूरे में पानी कॉन्स्टेंट बढ़ते रहता है, लेकिन शुरुआत में जैसे ही नल खोलते हैं पानी एक साइड से बढ़ना चालू होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे है कि पानी है जो इधर से बढ़ना चालू हुआ और फिर एक बार जब तक ये पूरा कंप्लीट लूप ना होकर यूनिफॉर्म नहीं होगा तभी तक करंट पैदा होगा, ये होने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है, उतना ही देख लिया करंट पैदा होता है।